तो हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 7i। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 से डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि इसमें चार पार्ट है, ठीक है। तो पहला पार्ट दिया हुआ कि इंटीग्रेशन dx बटे अंडर रूट 4 माइनस 9 एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका हमें इसके सापेक्ष समाकलन करना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ए पार्ट देख लेते हैं इसका, ठीक है। इंटीग्रेशन डीएक्स बटे अंडर रूट 4 माइनस 9 एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें देखिए क्या करेंगे, हम चार पहले कॉमन कर लेंगे, ठीक है। अंडर रूट में हर में कॉमन करेंगे, नहीं सोच के अंश में, तो हर में कॉमन कर रहे हैं ये 4, 9 कॉमन कर रहे हैं, ठीक है। जो कॉन्स्टेंट ऑफ 9 है, अचर के साथ जुड़ा हो, इसको हम कॉमन करेंगे। देखिए ये 9 कॉमन किया तो यहाँ पे हो जाएगा 4/9, ठीक है। इसमें माइनस एक्स स्क्वायर कैसे, देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 बचेगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x² बचेगा, ठीक है। बात वही रहेगी, ठीक है। तो ये हुआ, तो आगे इसको और सॉल्व करते हैं हम। तो इंटीग्रेशन, तो ये जब 9 बाहर आएगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा रूट से बाहर, तो बाहर हो जाएगा 1/3, ठीक है। dx बटे अंडर रूट 4/9 लिख सकते हैं हम, 2/9, 2/3, ठीक है। सॉरी, इसमें 2/3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये अंडर रूट में है पूरा। तो इसको अब यहां से इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं सवाल, एक तो सूत्र पर रख सकते हैं, दूसरा त्रिकोणमितीय समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। सर समीकरणों को कैसे, यहाँ पर देखिए x बराबर हम 2/3 साइन थीटा लेंगे, उसको पुट अप करके आगे सॉल्व कर लेंगे तो उससे भी आ जाएगा, और इसको सूत्र से लगा लें तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है। सूत्र कि इंटीग्रेशन dx बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स एक्स बाई सॉरी साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है, होता है। तो इसीलिए इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1/3, ठीक है। ये 1/3 ये वाला, और फिर यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स बाई ए की वैल्यू क्या है, 2/3, 2/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तीसरा बटा ऊपर चला जाएगा तो 1/3 बराबर बराबर में ये मल्टीप्लाई में रहे, 1/3 साइन इनवर्स 3x/2 प्लस सी। तो ये जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका बी पार्ट देख लेते हैं। देखिए इसका बी पार्ट है कि इंटीग्रेशन डीएक्स बटे अंडर रूट 1+4x². तो ये इसी तरह सवाल है समझो, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो इसके लिए सूत्र थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस होता तो यही यही सूत्र हम अप्लाई करते। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको कॉन्स्टेंट स्क्वायर निकाल लेना है बाहर, तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन डीएक्स बटे अंडर रूट 4 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इसमें क्योंकि देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी 4x², ठीक है, सेम वही बचेगा। इसलिए यहाँ से आगे इसको हम सॉल्व करें तो ये इसको बाहर निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन dx बटे अंडर रूट ये 4 1/4 को ले सकते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब इसको एक सूत्र देख लीजिए, सूत्र क्या होता है कि
कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है लॉग एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये होता है, इसी सूत्र पे इसको रख देंगे तो यहां से हो जाएगा हमारा एक बटा दो। अब इंटीग्रेशन का चिन्ह हट जाएगा, ठीक है, तो यहां से हो जाएगा लॉग एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स ही है, प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू एक बटा दो का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और घटा के इसमें, तो एक बटा दो लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है, इसमें से बाहर भी आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अंडर रूट से बाहर होगा तो एक बट दो बच जाएगा, ठीक है, बटे में प्लस सी। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, तो यहाँ से एक बटा दो लॉग क्रॉस मल्टीप्लाई टू एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें इसके नीचे, ठीक है, देखिए तो यहां से एक बटा दो लॉग 2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 बटा 2 लॉग 2 बेस e प्लस c। ठीक है, ये जो है लॉग m बाई n से इसको हटा दिया, तो यहाँ पर ये जो ये इतना मिला के पूरा कॉन्स्टेंट बड़ा सा बन जाएगा, तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है, इसके नीचे देख लीजिए, तो यहां से जाएगा एक बटा दो लॉग टू एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस का सी डैश, तो ये जो हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सवाल समझ में आ गया होगा, आपको स्टेप बाय स्टेप लिख लेना। ठीक है, तो चलिए इसका हम सी पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दो का सी पार्ट दिया हुआ है, देखिए इंटीग्रेशन डी एक्स बटे एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फोर। ठीक है, ये दिया हुआ, तो देखिए इसको थोड़ा सा बना लेते हैं पहले, इसको इंटीग्रेशन डी एक्स बटे एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर। अब आपके लिए सूत्र बताते हैं, सूत्र एक होता है कि इंटीग्रेशन डी एक्स बटे एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है वन बाई ए सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, ये होता है, तो इसी सूत्र पर हम रख देंगे इसको, इसलिए वन बाई ए, ए की वैल्यू क्या है, दो, तो ये sec इनवर्स x by a की वैल्यू दो प्लस सी। ठीक है, ये आंसर होगा। ठीक है, या फिर यहाँ पर जो है x के स्थान पर हम 2 sec थीटा मांगकर भी इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका डी पार्ट देख लीजिए। डी पार्ट दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटे अंडर रूट 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले जो एक्स के मल्टीप्लाई में इसको अलग करेंगे, तो यहाँ से इंटीग्रेशन डी एक्स बटे अंडर रूट यहाँ से 25 कॉमन कर लिया। ठीक है, तो 9 बटे 25 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 25 को बाहर कर लेंगे
तो यहाँ से 1/5 बन जाएगा, ठीक है, अंडर रूट के बाहर आ जाएगा तो 5। इंटीग्रेशन dx बटे अंडर रूट 9/25 को लिख सकते हैं, 3/5 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x के स्थान पर हम 3/5 sin θ लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम सूत्र का प्रयोग करके छोटा सा कर लें, ठीक है। तो यहाँ सूत्र का ही प्रयोग करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा सूत्र, इसमें हमने जो 2 का a पार्ट a है उसमें बताया था सूत्र, तो हमारा हो जाएगा सूत्र देख लें, इंटीग्रेशन dx बटे अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर होता है साइन इनवर्स x बाई a, ठीक है, प्लस c, ये सूत्र होता है। तो इसीलिए हमारा हो जाएगा 1/5 साइन इनवर्स x बाई a की वैल्यू क्या है, 3/5 प्लस c बराबर हो जाएगा 1/5 साइन इनवर्स, ये तीसरा बटा ऊपर आ जाएगा, 5x/3 प्लस c। तो ये जो होगा हमारा आंसर होगा इस प्रश्न का, ठीक है। आशा करते हैं ये सवाल समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 3 सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी 4 पार्ट दिए हुए हैं, तो हम एक एक करके बारी बारी से सॉल्व कर लेते हैं। तो ए पार्ट देखिए, इंटीग्रेशन dx बटे अंडर रूट 2-x का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले इसको 2-x को हम t मानेंगे, माना 2-x बराबर का t, ठीक है। अब क्या करेंगे इसका, हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, तो x 2 का हो जाएगा 0, x का हो जाएगा 1 और t का हो जाएगा dt बटे dx। तो इस यहां से हमें dx निकालना था, तो dx बराबर हो जाएगा माइनस का dt, ठीक है। तो अब देखिए यहां से इसलिए हम लिखेंगे आगे इंटीग्रेशन dt, ठीक है, dt बटे अंडर रूट 2-x को हमने t माना है, तो t का स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस आ गया, ठीक है। अब एक सूत्र देख लीजिए, सूत्र क्या है, इंटीग्रेशन dx बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है, log mod of x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस c, ठीक है। इसलिए यहाँ पर रख लेंगे हम, तो माइनस हो जाएगा हमारा माइनस log t प्लस अंडर रूट t स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, ठीक है। इसको आगे लिखेंगे तो यहाँ पर मान लेते हैं कि a के मल्टीप्लाई में तो इसकी पावर ऊपर चला जाएगी, तो log t की वैल्यू क्या है, 2-x लिख दिया, प्लस अंडर रूट 2-x का होल स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा log 2-x प्लस अंडर रूट 2-x प्लस 1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर मॉड बंद, तो ये पूरा बटे में हो जाएगा, ठीक है, एक बटे में 1/2, ठीक है। इसको प्लस लाने के लिए नीचे चला जाएगा ये, तो यहाँ से बटे में हो जाएगा, फिर से लिख देते हैं इसको, यहाँ से हो जाएगा हमारा log 1/2 अंडर रूट 2-x का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2-x का होल स्क्वायर प्लस 1,
यहाँ पर स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हुआ आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसका हम बी पार्ट देख लेते हैं। देखिए इसका बी पार्ट जो है दिया हुआ कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का dx बटे अंडर रूट a की घात 6 प्लस x की घात 6, ठीक है। जो x स्क्वायर का dx है ये s की घात 3 का अवकल गुणांक है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर प्रतिस्थापित करेंगे, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का dx बटे अंडर रूट a की घात 6 लिख सकते हैं, a की घात 3 का होल स्क्वायर प्लस इसकी घात 3 का होल स्क्वायर ये लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x की घात 3 को हम t मानेंगे, जिससे x स्क्वायर का dx निकल आएगा। तो लेंगे यहाँ पर हम माना x की घात 3 बराबर t, और इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 3x स्क्वायर और t का हो जाएगा dt बटे dx, ठीक है। dt बटे dx, ठीक है। यहाँ से x स्क्वायर का dx बराबर हो जाएगा dt बाई 3। तो x स्क्वायर का dx बराबर हो जाएगा dt बाई 3, ठीक है। तो यहीं से हम लिखेंगे हम 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई अंडर रूट a की घात 3 का स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम सूत्र पर रख देंगे, तो हो जाएगा हमारा 1/3 log t प्लस अंडर रूट a की घात 3 का स्क्वायर प्लस t स्क्वायर प्लस में c, ठीक है। इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो यहां से हो जाएगा हमारा सेकेंड, ठीक है। 1/3 log t की वैल्यू क्या है, इसकी घात 3, इसकी घात 3 प्लस अंडर रूट एक क्यूब की घात 2 हो जाएगा a की घात 6 प्लस ये t स्क्वायर है। तो अगर जब t की वैल्यू क्यूब है तो t स्क्वायर के इसकी घात 6, ठीक है। ये इसकी घात 6, ये हो गया मॉड बंद प्लस c, ये हमारा जो है आंसर होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं सवाल समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए इसका हम सी पार्ट देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सी है, इंटीग्रेशन e के पावर x का dx बटे 4 प्लस e की पावर 2x का dx, ठीक है। इसको देखिए कैसे थोड़ा सवाल बना लेते हैं इसको पहले। इंटीग्रेशन e की पावर x का dx बटे अंडर रूट ये 4 को ले सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस e की पावर 2x को ले सकते हैं e की पावर x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर e की पावर x का dx है, ठीक है, ये अवकल गुणांक दिया हुआ है e की पावर x का। तो यहाँ पर हम पहले इसको प्रतिस्थापित कर देंगे, माना यहाँ पर माना e की पावर x बराबर का t, ठीक है। s के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x होगा और t का dt बटे dx होगा। तो dx इस तरफ ले लिया और ये dt हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन dt बटे अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, ठीक है। तब इसका फॉर्मूला हमने पिछले सवाल में बताया था, तो हो जाएगा log, ठीक है, log mod of t प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ t का स्क्वायर प्लस c, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो log t की वैल्यू क्या है, e की पावर x प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस ये t है, तो t की वैल्यू e की पावर x, ठीक है। तो e की पावर x, ठीक है, इसका स्क्वायर है तो यहाँ यानी कि e की पावर 2x हो जाएगा, ठीक है, प्लस c, ठीक है। ये हमारा जो है आंसर होगा।
आई होप कि क्वेश्चन आपको पसंद आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसका हम डी पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, कौन सा डी पार्ट, इसमें डी पार्ट क्या दिया हो, देखिए देखिए ये दिया हुआ डी पार्ट इंटीग्रेशन एक्स माइनस वन बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन का डीएक्स। ठीक है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, इसको पहले अलग अलग कर लेते। ठीक है, एक्स बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन का डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन वन बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन का डी एक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो एक्स है, एक्स का डी एक्स लेने की, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन का अवकल गुणांक है। ठीक है, और ये सूत्र हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम माना एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर का टी। ठीक है, इसके सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स और प्लस वन का हो जाएगा जीरो। ठीक है, और टी का हो जाएगा डी टी बटे टी एक्स। तो यहाँ तो हमें एक्स का डी एक्स निकालना है, तो डी एक्स इस तरफ भेज देंगे और दो को इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो एक्स का डी एक्स बराबर डी टी बाई टू। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बटे अंडर रूट टी और ये आगे एक बटा दो। ठीक है, और ये माइनस, ठीक है, इसका फार्मूला हो जाएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। ठीक है, अब इसको इसका समाकलन हो जाएगा, देखो अंडर रूट टी को लिख सकते हैं टी की पावर एक बटा दो, ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर माइनस एक बटा दो हो जाएगी। ठीक है, तो वहां से इसका हम समाकलन कर सकते हैं आसानी से। तो इसका हम सीधा लिख देते हैं एक बटा दो टू रूट टी। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, तो ये टू रूट टी माइनस दो से दो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। ठीक है, इसको थोड़ा सा और लिख लें, तो ये हो जाएगा अंडर रूट टी की वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। ठीक है, तो ये जो होगा हमारा आंसर होगा इस प्रश्न का। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर तीन के चारों पार्ट लग चुके हैं, हम क्वेश्चन नंबर चार का सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर चार में तीन पार्ट दिए हुए, ठीक है, ए बी सी। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले ए पार्ट देख लीजिए, इंटीग्रेशन डी एक्स बटे ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये है, देखिए इसमें क्या करेंगे हम, जो है e की पावर x से हम गुणा भाग कर देंगे। ठीक है, e की पावर x से गुणा भाग कर देंगे, या फिर हम e की पावर माइनस एक्स जो है हर में कॉमन कर ले, दोनों तरीके से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अंश हर में e की पावर x से गुणा करने पर। ठीक है, ठीक है, तो देखिए अंश में कर देते हैं e की पावर x का dx। ठीक है, ये गुणा हो गया, और हर में करते हैं e की पावर x के e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन e की पावर x का dx बटे में ये e की पावर x इंटू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इंटू e की पावर x। ठीक है, तो ये आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा e की पावर x का dx बटे, देखो आधार समान तो गुणा घाते जुड़ जाती है, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x। आधार समान तो गुणा घाते जुड़ती है, लेकिन ये माइनस है या प्लस है तो ये घट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर तो ये e की पावर होगा जीरो, किसी की पावर जीरो होती है तो उसका मान एक होता है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x का dx बटे e की पावर 2x को ले सकते हैं e की पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब e की पावर x बराबर t लेंगे, माना
e की पावर x बराबर का डी, ठीक है। s के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो e की पावर x होगा और t का हो जाएगा dt बटे dx, तो dx इस तरह मल्टीप्लाई में ले लिया और ये dt, ठीक है। अब रख देंगे वैल्यू, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा dt बटे t स्क्वायर प्लस 1। तो ये किसका फार्मूला हो जाएगा, ये tan इनवर्स t प्लस c का, ठीक है। तो t की वैल्यू रख देंगे हम, तो हो जाएगा tan इनवर्स t की वैल्यू क्या है, e की पावर x प्लस c, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको प्रश्न। तो चलिए इसका हम बी पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसका बी पार्ट है कि इंटीग्रेशन dx बटे अंडर रूट 1 माइनस e की पावर 2, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, यहां से हम क्या करेंगे, इसमें जो e की पावर 2x अंडर रूट हर से कॉमन कर लेंगे, ठीक है। dx बटे e की पावर 2x हम कॉमन कर लेते हैं अंडर रूट में, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा ये 1 माइनस e की पावर 2x हो जाएगी, माइनस में ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बाहर निकालेंगे जब हम, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx बटे अंडर रूट, ये बाहर आ जाएगी तो e की पावर ये x हो जाएगा, ठीक है, ये e है, ठीक से लिख देते हैं, ठीक है, e की पावर x अंडर रूट, इसको ले सकते हैं, इसको इसकी पावर ऊपर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर माइनस 2x ले सकते हैं, ठीक है, e की पावर माइनस 2x, e की पावर माइनस 2x, 2x माइनस 1, ठीक है, ये हो गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, देखिए e की पावर माइनस 2x को e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर ले सकते हैं और जो e की पावर x इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहां से इंटीग्रेशन e की पावर माइनस x बटे अंडर रूट e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब देखिए e की पावर माइनस x बराबर हम t लेंगे, माना स्थापित कर रहे हैं अब इसको, माना e की पावर माइनस x बराबर t, ठीक है। इसके सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x हो जाएगा और फिर माइनस x का करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। और t का हो जाएगा dt बटे dx, ठीक है, dt बटे dx। तो इस तरफ हम e की पावर माइनस x का dx बराबर माइनस हम dt लेंगे, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा हमारा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बटे अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक ये हो जाएगा। अब इसको हम सूत्र होता है उसको हम इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है देख लीजिए, उसका भी यहाँ पर देख लीजिए सूत्र, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे अंडर रूट ex स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर होता है log ex प्लस अंडर रूट ex स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, प्लस c। तो इसी पर रख देंगे हम इसको, तो यहां से हो जाएगा हमारा माइनस log t प्लस अंडर रूट t स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और सॉल्व कर लेंगे तो ये माइनस log t की वैल्यू क्या है, e की पावर माइनस x, तो e की पावर माइनस x प्लस अंडर रूट t की वैल्यू e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1। तो यहां से इसको लिख सकते हैं माइनस log e की पावर माइनस x प्लस अंडर रूट e की पावर माइनस 2x, ठीक है, e की पावर माइनस 2x, 2x माइनस 1 प्लस c, ठीक है। तो ये जो है हमारा आंसर होगा इस प्रश्न का, ठीक है, ये वाला। तो आशा करता हूँ ये सवाल समझ में
आगे होगा ठीक है। तो चलिए इसका हम अब क्या करते हैं, डी सी पार्ट देख लेते हैं। देखिए इसका सी पार्ट देगा कि इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स का डी एक्स बटे वन माइनस ए की पावर टू एक्स, ठीक है। इसका हमें समाकलन करना है। देखिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। ये इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स का डी एक्स बटे अंडर रूट वन माइनस ए की पावर एक्स को लिख सकते हैं ए की पावर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ए की पावर एक्स या अवकल गुणांक इसका विद्यमान है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना ए की पावर एक्स बराबर का टी, ठीक है। इसके सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो ए की पावर एक्स का हो जाएगा ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई बराबर टी का हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स। तो यहाँ से मैं तो सिर्फ ए की पावर एक्स का डी एक्स निकालना है, तो ए की पावर एक्स ये है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई में भेज दे तो मिल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ए की पावर एक्स का डी एक्स बराबर इस जो मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में डिवाइड में हो जाएगा, तो डी टी बटे लॉग ए बेस ई, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब इसी तो जहाँ पर ए की पावर एक्स डी एक्स है वहीं पर हम डी टी बाई लॉग ए लिखेंगे, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा इसलिए वन अपान लॉग लॉग ए बेस ई बाहर कर लेते हैं, ठीक है। और ये डी टी बटे में अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला साइन इनवर्स टी का हो जाएगा, तो वन अपान लॉग ए बेस ई साइन इनवर्स टी प्लस सी, ठीक है। यहाँ से हम लिखेंगे वन अपॉन लॉग ए बेस ई और ये साइन इनवर्स टी की वैल्यू ए की पावर एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का जो है आंसर, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो आज का हम वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं, ठीक है। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।